प्रतापगढ़ जिला जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। इस जिले को बेल्हा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साई नदी के किनारे बेल्हा माता जी का मंदिर स्थित है। बेल्हा माता के नाम पर इस जिले का नाम बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ वही जिला है जहाँ की विधानसभा क्षेत्र पट्टी से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय प्रतापगढ़ शहर में स्थित है। यह जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की स्थिति की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। प्रतापगढ़ जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल प्रयागराज जिला, जौनपुर जिला, कौशाम्बी जिला, सुल्तानपुर और रायबरेली जिला है। साई नदी के किनारे बसा प्रतापगढ़ जिला राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 202 किलोमीटर वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 690 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले के इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीन समय में यहां के राजा प्रताप बहादुर ने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक कस्बे अरोरा में स्थापित किया था और यहीं पर एक किले का निर्माण करवाया। इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा। धीरे धीरे इस किले के आसपास का स्थान इस किले के नाम से जाना जाने लगा, परंतु कुछ समय के बाद 1858 में जिले का पुनर्गठन किया गया। तब जिले का मुख्यालय बेल्हा में स्थापित किया गया, जो कि वर्तमान समय में यह जिला बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रतापगढ़ जिले में कुल 5 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल रानीगंज, सदर, कुंडा, लालगंज व पट्टी है। जिले में 17 ब्लॉक और 22 पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। 3730 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले प्रतापगढ़ जिले की वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 37,18,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 18,60,000 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 18,57,000 है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से प्रतापगढ़ जिले में 85.11% हिंदू, 14.10% मुसलमान, 0.95% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से प्रतापगढ़ जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, प्रतापगढ़ जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। स्टेशन पर 2 प्लेटफार्म मौजूद हैं। यह रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के द्वारा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, फैजाबाद जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग, प्रतापगढ़ जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 731 गुजरती है, जो आगे चलकर लखनऊ, प्रयागराज जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है। प्रतापगढ़ जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, मक्का व गन्ना हैं, जो उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। इसके अलावा आंवले की खेती उच्च स्तर पर की जाती है, जिसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंवला प्रतापगढ़ जिले से उत्पादित किया जाता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की सर जमीन पर कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है, जिसमें शामिल महान कवि हरिवंश राय बच्चन, राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, प्रमोद तिवारी जैसे कई महान हस्तियों ने जन्म लेकर इस जिले का नाम रोशन किया है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन प्रतापगढ़ जिले का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह खूबसूरत गार्डन प्रतापगढ़ जिले से सिविल लाइन के पास में स्थित है। यहाँ पर शहर के लोग सुबह के समय घूमने के साथ साथ योगा करने के लिए आते हैं। शनि देव मंदिर, प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथ बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह काफी प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर वर्तमान समय में प्रमुख आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा नाग वासुकी मंदिर, भय हरणनाथ मंदिर, भक्ति धाम जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता का लुप्त उठाने के लिए काफी संख्या में सैलानी खींचे चले आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।